हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बुलेट का कलर चेंज किया जाता है और किस तरह से उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा जाता है। तो इसमें कुछ स्टाइल शीट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फीड करी हुई है और बनाई हुई है, जैसे कि आप देखेंगे एक तरह का स्टाइल के अंदर मैंने बुलेट और एक H1 स्टाइल बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। मैंने स्केच वन पे क्लिक किया तो देखेंगे आप यहाँ पर H1 स्टाइल लग गया है। अब जैसे ही मैं इस पर बुलेट पे लगाता हूँ तो बुलेट लग गया। तो जनरली लोग ये यूज़ कर लेते हैं, जो इनिशियल स्टेज में डिज़ाइन सीख रहे हैं वो यूज़ करेक्टर स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो बुलेट लगाते हैं तो बुलेट का कलर नहीं चेंज कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको एक करेक्टर स्टाइल और ज़रूर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे करेक्टर स्टाइल में जाएंगे, एक सियान बल्स मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको नन करता हूँ, नन किया। अब देखेंगे अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ तो सिलेक्ट नहीं होता बुलेट, क्योंकि ये स्टाइल शीट में डिफाइन है। तो अब सिंपल है, आपको इसका कलर चेंज करने के लिए, बुलेट का कलर चेंज करने के लिए पैराग्राफ स्टाइल में दोबारा जाना पड़ेगा और बुलेट स्टाइल जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, अब इस बुलेट स्टाइल में डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आप देखेंगे एक विंडो ओपन हो गई है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग सेक्शन है। अब आपने जो करेक्टर स्टाइल वहाँ पर डिफाइन किया था, जिस नाम से भी डिफाइन किया था, वो यहाँ पर आपको करेक्टर स्टाइल की जगह पर दिखाएगा। देखेंगे मैं ड्रॉप डाउन विंडो दबाता हूँ तो देखिए आप एक सियान कलर यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखेंगे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आपका कलर यहाँ पर बुलेट का कलर चेंज दिखाने लग गया। अब इससे क्या होगा कि आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, और कैसे रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में जहाँ पर भी ये स्टाइल लगी हुई है आपकी बुलेट, तो उसका कलर आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। देखिए मैं ओके करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे कि आप बुलेट का कलर कभी भी कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कोई इस बुक में कई जगह आपका बुलेट लगा हुआ है और आपको यूज़र कहता है या आपको क्लाइंट कहता है कि आपका बुलेट का कलर सियान नहीं, मजेंटा होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। उसके लिए आप देखिए करेक्टर सेल में जाएंगे, जहाँ ये सियान डिफाइन है इस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो फिर से एक विंडो खुलेगी, जिसमें करेक्टर कलर में जाएंगे आप और यहाँ प्रीव्यू सेक्शन ऑन रखना ताकि आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता रहेगा। और इसके बाद जैसे ही मैं देखो मजेंटा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मजेंटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं अदर कलर डिफाइन करूँगा ग्रीन, तो ग्रीन डिफाइन हो जाएगा। जैसे मैं दोबारा सियान दबा देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। देखो कितना सिंपल है, और ये एक तरह से ट्रिक्स भी है किस तरीके से आप इसके कलर पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और प्रिंट डिज़ाइन की सीक्रेट आपको पता चलती रहेगी।